वोलेटिलिटी 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 आई डोंट लाइक वोलेटिलिटी आई अवॉइड बट वोलेटिलिटी लाइक्स मी कांट अवॉइड एमिड वोलेटिलिटी आई इतनी वोलेटिलिटी मार्केट अप और डाउन और मार्केट आखिरी के आधा पौन घंटे में टंबल डाउन कर गया बट इस बीच एक स्टॉक आउट ऑफ द ग्राउंड गया बढ़िया सा ब्रेकआउट दिया आज करेंगे उसी टाइप के एक एनालिसिस। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज आपको लेके चलूंगा एक बढ़िया से एनालिसिस पे, एक टेक्नो फंडा एनालिसिस पे, जहां पर हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा स्टॉक जिसने इस वोलेटिलिटी के बीच ब्रेकआउट दिया। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। यहाँ पर हम लोग आईपीओ के वीडियोस या फिर लाइव सेशंस हो गए, निफ्टी, बैंक निफ्टी हो गया, स्टॉक्स ब्रेकआउट, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने यहाँ पर अपलोड किया था टेक्स मेको रेल, दो दिन तक बढ़िया रिजल्ट दिए, फिर उसके बाद नफकार कॉर, दो दिन बैक टू बैक अपसाइड गया, 10% अपर सर्किट, चेन्नई पेट्रो हो गया या HBL पावर हो गया। ऑलराइट, अब आज की बात करते हैं। आज का जो स्टॉक पिक किया है वो है शांति गियर्स। शांति गियर्स के डिटेल एनालिसिस दिखाऊंगा मैं आपको, बट पहले स्टॉक क्यों पिक किया है, फिर फंडामेंटल, फिर वापस अपने लेवल्स पर। स्टॉक पिक करने के दो रीजन थे। नंबर वन, जो इसका लास्ट प्रीवियस हाई था अगस्त 21 का, ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना हुआ था। हैव अ लुक, पहले अगस्त 21 में एक रेजिस्टेंस था, फिर सेम टाइम पे ये मार्च 20 में रेजिस्टेंस बना, एक बार ब्रेकआउट दिया, वापस से रीटेस्ट किया, अब फ्रेश ब्रेकआउट दे रहा है। ये नंबर वन रीजन था। बट 235 का स्टॉक है, तो स्टॉक में ये तो क्लियर है कि स्टॉक में लास्ट 3-4 मंथ में 140 से 240 तक गया है, राइट? अब क्वेश्चन है, कप एंड हैंडल ब्रेकआउट बोलो, फ्लैग ब्रेकआउट बोल सकते हो, पर क्वेश्चन है 235 की वैल्यूएशंस देखना सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस पे। एज ऑलवेज, फंडामेंटल स्टार्ट करेंगे प्रमोटर होल्डिंग से। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 70% के आसपास कांस्टेंट होल्डिंग है। अच्छी बात यह है कि कोई प्लेज नहीं है, प्लेज क्रिएट नहीं करा, बढ़ाई भी नहीं बट कम भी नहीं की, ठीक है। FII के ऊपर एक नजर मारते हैं तो FII ने नो डाउट बैक टू बैक 2-3 क्वार्टर में ड्रॉप लिया, 0.466, 3.0, 2.99। DIA की बात करें वहीं पर, तो DIA ने एक माइन्यूट सी होल्डिंग बढ़ाई है, और ऑब्वियस सी बात है पब्लिक की होल्डिंग बहुत माइन्यूटली बढ़ी होगी। वो क्यों बढ़ी होगी? जो FII ने ड्रॉप किया, तो वो यहाँ पर बैक टू बैक दो क्वार्टर्स में पब्लिक के पास चला गया। पब्लिक होल्डिंग में 25% में क्या किसी का नाम सामने आ रहा है? हाँ, एक नाम सामने आ रहा है, धनेश शाह 1.27, दुर्गेश शाह प्रोबेबली भाई भाई रहे होंगे 1.27 के आसपास, ठीक है। तो मार्केट में अभी भी 20-22% स्टॉक या फ्री फ्लोट अवेलेबल है। बैलेंस शीट पे एक नजर मारते हैं जल्दी से और वापस से जाएंगे अपने Q&A नेक्स्ट। अब यहां पर अगर बैलेंस शीट की बात करें तो 8.17 इनके पास इक्विटी था, उसको भी रिड्यूस कर दिया बायबैक के मेथड से या फिर डिसॉल्व के मेथड से। यहां पर 7.67 इक्विटी थोड़ा सा राइट ऑफ करके वापस से रिड्यूस करना बोलते हैं इसको। अब मोस्ट प्रोबेबली जो रहा होगा या तो बायबैक या जिस भी मेथड से रहा, अगर रिजर्व्स के ऊपर एक नजर मारे, 298 थोड़ा सा बड़ा, 309 थोड़ा सा ड्रॉप आया, 293। ये जो ड्रॉप आया है, हैव अ लुक एट दिस, ये जो 293 से 220 तक ड्रॉप आया है, वो रीजन है यहाँ पर इक्विटी कैपिटल। बायबैक किया या राइट ऑफ करा तो मोस्ट प्रोबेबली बायबैक के चक्कर में रहा होगा, तो कंपनी ने आउट ऑफ रिजर्व्स पैसा पे किया है, पर वापस रिजर्व्स 229। अब रिजर्व्स में कुछ एक खासा इतना ग्रोथ तो क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा। लास्ट ईयर की बात भी करें तो हार्डली 9 करोड़ के आसपास का रिजर्व्स इंक्रीज हुआ। बट सबसे बेस्ट पार्ट, हैव अ लुक एट डेट, डेट नॉन नेग्लिजिबल, इतना डेट कि हार्डली एक क्वार्टर के प्रॉफिट से पे बैक कर सकते हैं। बट क्वार्टर रिजल्ट पे एक नजर मार लेते हैं। क्वार्टर रिजल्ट्स पे एक नजर मारते टाइम नेट सेल्स से स्टार्ट करते हैं, रेवेन्यू टॉप लाइन बोलते हैं जिसको। हैव अ लुक, 64 करोड़ जो कि राइज होके हुआ 71 करोड़, जो कि वापस ड्रॉप हुआ 66 करोड़। अब ध्यान से, ये 66 करोड़ जो 66, 67 जो करोड़ ड्रॉप है, वो 4 करोड़ का जो ड्रॉप आया,
वो आया कोविड की वजह से। हाँ वालो, ये जून क्वार्टर है, हर बार हर वीडियो में मैंने वही बताया कि यहाँ पर लॉकडाउन था, तो वो इफेक्ट जो है वो हमें यहाँ पर फैक्टर इन करना पड़ेगा। पर वापस से 71 और 94। अब लास्ट टाइम भी जब मैंने चेन्नई पेट्रो का वीडियो रिकॉर्ड किया था, उस टाइम पे मैंने क्या वर्ड यूज़ किए थे कि यहाँ पर अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं और जो एक्सपेक्टेड थे, और हुआ क्या, क्या बम्पर रिजल्ट आए। सेम चीज़ अगर इसको देखें तो यहाँ पर 66 से 71, 71 से 94, मैसिव जंप 94, राइट। अब अगर ये 94 का थ्री डिजिट्स में गया, मतलब कि 105, 110 और इवन फर्दर, क्या बम्पर रिजल्ट आएंगे, स्टॉक विल रैली फर्दर, स्टॉक विल रैली फर्दर। बट इम्पॉर्टेंट ये है, सेल्स तो बढ़ रही है, क्या पैट ईपीएस बढ़ रहा है, उसके ऊपर एक नज़र मार लेते हैं जल्दी से। पैट के ऊपर देखते हैं, 7, 9, 8, हल्का सा ड्रॉप, ऑलमोस्ट 8 और 13, ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट डबल। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 7.7 से 13.7 के आसपास के यहाँ पर प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और यहाँ पर एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट सब निकालने के बाद ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट डबल हुआ है। चलो अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो यहाँ पर 18 करोड़, 25 करोड़ और इवन 30 करोड़ के आसपास भी हम लोगों को नेट प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। चलो वापस आते हैं अब अपने टेक्निकल लेवल्स पे कि लेवल्स हम लोग क्या रखने वाले हैं। तो ये तो क्लियर है कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट तो आया, और उससे भी इम्पॉर्टेंट मुझे यहाँ पर एक वीकली कैंडल में इनसाइड बार ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। जिन लोगों ने अभी तक इनसाइड बार की वीडियो नहीं देखी है, प्लीज जाकर यहाँ पर ये फर्स्ट वीडियो है, ये वीडियो देख लेना, डिटेल एनालिसिस है, अभी तक ऑलमोस्ट 29,000 पीपल देख चुके हैं, व्यूज है। चलो अब बात कर लेते हैं जल्दी से क्विकली लेवल्स की। तो स्टॉक ट्रेड कर रहा है 235 के आसपास, सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस। यहां पर अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके डाल दें, इसको ब्लू कलर से कर देते हैं या चलो ब्लैक ही रहने देते हैं, ब्रेकआउट वाली ट्रेंड लाइन हटा दी, ठीक। ये ट्रेंड लाइन के नीचे हर बार मैं हमेशा बोलता हूं, जब इसके नीचे क्लोजिंग आ जाए, ध्यान से देखो यहां पर क्या बढ़िया पुल बैक आया, जैसे ही इसके नीचे क्लोजिंग आ जाए इमीडिएट एग्जिट, हमेशा जैसे ही ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग आ जाए, वीकली कैंडल है, वीकली कैंडल क्लोज हो, एग्जिट। तो अगर यहां पर बात करूं स्टॉप लॉस की, समवट अराउंड 159-160 के आसपास स्टॉप लॉस रह सकता है। अब आते हैं अपने टारगेट के ऊपर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं टारगेट फीबो या गैन से निकालने वाला हूं, तो टारगेट रहेगा मेरा 361, 399, 441, ये तीन टारगेट मैं लेकर चलूंगा। एलोकेशन 2 या 4% के आसपास कैपिटल दूंगा डाइवर्सिफिकेशन के लिए, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर वोलेटाइल है। ये थे प्राइस एक्शन एनालिसिस शांति गियर्स के। बट यस, वीडियो पसंद आया हो तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।